इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मुगल बादशाह शाहजहां को शानदार इमारतें बनवाने के लिए जाना जाता है। शाहजहां की विरासत के रूप में दिल्ली में बनवाई गई उसकी राजधानी शाहजहानाबाद में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत इमारतें हैं, और फिर ताजमहल है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन लाल किले के पार चांदनी चौक के दूसरी छोर पर एक और इमारत है जो शाहजहां ने नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेगम यानी फतेहपुरी बेगम ने बनवाई थी। हालांकि फतेहपुरी बेगम को बहुत कम लोग जानते हैं, फिर भी उनकी इतनी हैसियत तो थी कि उन्होंने एक ऐसी मस्जिद बनवाई जिसका शुमार शाहजहानाबाद की महत्वपूर्ण इमारतों में होता है। शाहजहां की बेगम फतेहपुरी बेगम ने सन 1650 में फतेहपुरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाया था। उन्होंने ये मस्जिद गरीब लोगों के लिए बनवाई थी, इसीलिए ये मस्जिद राजधानी के दो सबसे व्यस्त बाजारों यानी चांदनी चौक और खारी बावली के बीच में मौजूद है। ये मस्जिद मुगलों के पसंदीदा लाल बालू पत्थर से बनी हुई है। इसके ऊपर एक गुंबद है और दोनों तरफ दो ऊंचे मीनार हैं। इबादत के लिए बने हॉल की छत खंभों पर टिकी है। इस हॉल में दाखिले के लिए 7 मेहराबें हैं। बीच वाली मेहराब सबसे ऊंची है। मस्जिद के बीच का आंगन लाल पत्थरों से ढका है और वहां संगमरमर की एक टंकी बनी है। एक जमाने में मुगलों की राजधानी शाहजहानाबाद में ये मस्जिद बेहद शानदार इमारत हुआ करती थी, लेकिन सन 1857 की बगावत ने इसकी सूरत ही बदल दी। अंग्रेजों को बगावत से ये लगा कि मुसलमानों का रईस तबका मुगलों के समय का सम्मान दोबारा हासिल करना चाहता था, जबकि हिंदू साहूकार अंग्रेजों के वफादार बन गए थे। बहादुर शाह जफर को निर्वासन में भेजने के बाद शाहजहानाबाद की मुस्लिम आबादी से उनके घर खाली करवा लिए गए थे और लगभग एक दशक तक उन्हें अपने घर वापस आने की इजाजत नहीं थी। सभी मुगल इमारतों पर ब्रिटिश अफसरों का कब्जा हो गया था। उदाहरण के लिए जामा मस्जिद को सेना का गोदाम बना दिया था और फतेहपुरी मस्जिद बगावत के दौरान अंग्रेजों के वफादार रहे साहूकार चुन्नी लाल को बेच दी गई थी। सन 1877 के दिल्ली दरबार में हुए कई सियासी सलाह मशवरों के बाद आखिरकार सन 1877 के दिल्ली दरबार में ये इमारतें मुसलमानों को दोबारा सौंप दी गईं। तब से लेकर आज तक इस मस्जिद में ईद का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मस्जिद का इस्तेमाल गरीब बच्चों के मदरसे के रूप में भी होता है। आज फतेहपुरी मस्जिद के पीछे आपको मसालों का बाजार और उसके आसपास दुकानों का भूल भुलैया मिलेगा। इसकी छत से आप एक स्पष्ट दिन पर शाहजहानाबाद और दूसरे छोर पर लाल किले का शानदार चित्र देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली की जरूरी विरासत वाली जगहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन फतेहपुरी मस्जिद हमें शाहजहां की एक और पत्नी से मिलवाती है और समय में वापस भेजती है। ये मस्जिद शहर के उतार चढ़ाव से भरे इतिहास की खामोश गवाह रही है।